एक हम लोग नया डिफिनीशन कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम लोग समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक है क्या। तो कैरेक्टरिस्टिक से पहले एक बार ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को हम रिकॉल कर लें, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पीछे आ चुका है कि यदि कोई भी हमारा ग्रुप है और वह ग्रुप यदि एडिशन के रिस्पेक्ट में हो, तब हम उसका जिस एलिमेंट का हमको ऑर्डर देखना होता है तो देखते हैं कि उस एलिमेंट को कितनी बार ऐड करें कि हमको एडिटिव आइडेंटिटी जीरो दे दे। तो उस एलिमेंट को जितनी बार ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी जीरो देता है, वो लिस्ट पॉजिटिव नंबर ही उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाता है। लेकिन वही ग्रुप जब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, तब किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है, हम यह देखते हैं कि ए को ए में एट लिस्ट कितनी बार हम प्रोडक्ट करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन दें, तब उस ग्रुप के उस एलिमेंट का वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर जितनी बार प्रोडक्ट करने पर, या उसी को हमें समझ सकते हैं कि उस एलिमेंट पर एट लिस्ट कितना पावर रखें कि वो हमको एडिटिव आइडेंटिटी दे दें, तो वह उसका ऑर्डर कहलाता है। तो ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ये पीछे आ चुका है। अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, वहाँ ग्रुप में हम लोगों ने एलिमेंट का ऑर्डर पढ़ा था, यहाँ रिंग में हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग जानना है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग से अभिप्राय ये है कि कोई भी एलिमेंट है तो उस, और इसमें हम एडिशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, वहाँ जो देखा गया था एडिशन के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर था और मल्टीप्लिकेशन के भी रिस्पेक्ट में। यदि ग्रुप हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में है, तब एलिमेंट के ऑर्डर के लिए देखते हैं कि उस एलिमेंट को कितनी बार एट लिस्ट हम ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी दें, तब उस ग्रुप जो एडिशन के रिस्पेक्ट में है उसके लिए वो उस एलिमेंट का ऑर्डर होता है। लेकिन वही जो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है तो उसको प्रोडक्ट करते हैं। तो अब इसमें हमारा जो रिंग है, इसमें हम एडिशन के लिए देखते हैं, यानी कोई भी हमारा यह रिंग दिया गया है तो इस रिंग का कोई एक एलिमेंट लो। अब कैरेक्टरिस्टिक में और ऑर्डर में क्या फर्क है, इस चीज़ को समझो कि एक कोई एक एलिमेंट, कोई हमारा एक रिंग दिया गया है, उस रिंग का कोई एक एलिमेंट लो तो उस एलिमेंट को देखो कि कितनी बार हम ऐड कर रहे हैं तो वो एडिटिव आइडेंटिटी दे दिया। तो एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का हमने देखा कि कितनी बार उसको एट लिस्ट इतनी बार पॉजिटिव हम रखें और ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी दे दें। फिर उस सेट का दूसरा एलिमेंट लो और दूसरे एलिमेंट को भी देखो कि हम कितनी बार ऐड करें एट लिस्ट कि वो हमको जीरो दे दे, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो दे दे, तब वह उस एलिमेंट का ऑर्डर हो गया। ऐसे तीसरे चौथे हर एलिमेंट का ऑर्डर ले लो। तो ये तो एलिमेंट का ऑर्डर हुआ, लेकिन रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा कि ये जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट के लिए देखो कि वो एट लिस्ट पॉजिटिव नंबर क्या रहे, जितनी बार उसको हम ऐड करें प्रत्येक एलिमेंट को। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में हर एलिमेंट का ऑर्डर अलग अलग था, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग में उस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट को कितनी बार हम एट लिस्ट सबके लिए, वो नंबर एक होना चाहिए वो हर एलिमेंट के लिए, कि हम उतने नंबर पे उसको ऐड कर दें और एडिटिव आइडेंटिटी जीरो आ जाए, तब वह जो नंबर होता है, जो पॉजिटिव नंबर होता है, वो हमारा उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। यानी ऑर्डर में हर एलिमेंट का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, लेकिन रिंग में ये हम देखेंगे कि वो कौन सा ये नंबर है पॉजिटिव नंबर, जितनी बार उस सेट के सभी एलिमेंट को ऐड करो तो एडिटिव आइडेंटिटी दे दे, तो वो नंबर पूरे रिंग के लिए एक होगा और वो लिस्ट पॉजिटिव नंबर होगा, जितनी बार हम प्रत्येक नंबर को ऐड करें तो ऐड करने पर हमारा एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। अब जो ये वर्क हम बता रहे हैं डिफिनेशन में,
इस डिफिनीशन को एक एग्जांपल से आपको और स्पष्ट हम करना चाह रहे हैं। एक बात और बता करके, क्योंकि इसको हमको मिटाना है, और अभी एग्जांपल आपको एक हम रखेंगे, उससे जो बात हम बता रहे हैं वो चीज़ें और क्लियर होंगी। अब यदि कोई, जैसे हमने देखा कि उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हम वह कौन सा पॉजिटिव नंबर है, जितनी बार प्रत्येक एलिमेंट को ऐड करें और एडिटिव आइडेंटिटी जीरो दे दें, तो वो पॉजिटिव नंबर उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। लेकिन यदि ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर ना हो, जितनी बार प्रत्येक एलिमेंट को ऐड करो तो हमको वो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो दे दें। तो यदि ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट ना करे, तब उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो जीरो, या उसको इनफाइनाइट भी कहते हैं। यानी जीरो तो कोई एक रिंग है, तो जीरो इंटू उस सेट का कोई एलिमेंट रखो तो वो तो जीरो देगा ही। जीरो बार किसी एलिमेंट को ऐड करो तो जीरो देगा, या जीरो से मल्टीप्लाई करो उस सेट के हर एलिमेंट से तो जीरो देगा, क्योंकि जीरो इंटू अदर नंबर वो जीरो आ जाएगा। तो जीरो कैरेक्टरिस्टिक तो सबका होता है, लेकिन हम कैरेक्टरिस्टिक उस जीरो वाले को तब हम मानते हैं जब कोई पॉजिटिव नंबर ना मिले। यदि पॉजिटिव नंबर मिलता है तब उसका कैरेक्टरिस्टिक वो पॉजिटिव नंबर होगा, लेकिन यदि कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर नहीं मिलता है तब हम कहेंगे कि उस एलिमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जीरो है या इनफाइनाइट, दोनों में कोई एक कह सकते हैं। तो ये हमारा डिफिनेशन। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, उस एग्जांपल से जो ये बात है वो और स्पष्ट हो जाएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक का जो डिफिनेशन हम लोगों ने समझा है, इस एग्जांपल से वो बातें और स्पष्ट होंगी। तो हमने क्या किया कि यह इंटीजर का सेट है और मॉडुलो 6 ये हमने लिया है। तो जब मॉडुलो 6 लेंगे तो इसका मतलब 6 से लेस जो उसके रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक, यह उस Z6 में एलिमेंट आएंगे। तो जो Z6 हुआ, इसके जो एलिमेंट हुआ वो रेंज टू क्लास 0, रेंज टू क्लास 1, रेंज टू क्लास 2, रेंज टू क्लास 3, रेंज टू क्लास 4 और रेंज टू क्लास 5, ये हमारा इस सेट के एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए पहले हर एलिमेंट का आर्डर ये हम समझेंगे कि हर एलिमेंट का आर्डर क्या है। तो पहले ये जीरो का अभी हम रहने देते हैं, इस वन का पहले देखो। तो वन का देखेंगे तो यह वन रेंज टू क्लास 1, इसका आर्डर अभी यह ग्रुप जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो सेमी ग्रुप ही होता है, ग्रुप नहीं होता है। तो हमको एडिशन के रिस्पेक्ट में ये देखना है। तब हम क्या करते हैं कि जैसे यह रेंज टू क्लास 1 ये लिया, तो रेंज टू क्लास 1 को देखेंगे कि कितनी बार हम एट लिस्ट पॉजिटिव नंबर रखें, जितनी बार इसको ऐड करें तो हमको एडिटिव आइडेंटिटी ये जीरो दे दें। तो आप देखो ये रेंज टू क्लास है, तो रेंज टू क्लास 1 को जब 6 टाइम ऐड करोगे तो ये रेंज टू क्लास 6 देगा, और चूंकि ये मॉडुलो 6 है इसलिए उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट जब 6 से लेस होगा तो भी वो रिजल्ट होता है, और 6 या ग्रेटर होता है तो उससे डिवाइड करते हैं फिर उसका जो रिमाइंडर आता है वो होता है। तो इसका मतलब रेंज टू क्लास जब 6 आया तो उसको 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो हो गया। तो यह रेंज टू क्लास 1 एडिशन मॉडुलो 6, रेंज टू क्लास 1 एडिशन मॉडुलो 1, रेंज टू क्लास 1 या रेंज टू क्लास 1 और रेंज टू क्लास 1, ऐसा हमने लिया। ये 6 टाइम इसको लिया। 6 टाइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 1 है तो ये हमारा रेंज टू क्लास 0 नहीं है, इसको एक बार और ले लो दो बार लो तो भी हमारा रेंज टू क्लास 2 ये 0 नहीं है,
ऐसे 3, 4, 5 तक जब करोगे तो हमारा रेडियो क्लास जीरो नहीं देगा, लेकिन जब इसको 6 टाइम करोगे, ऐड करोगे, तो 6 टाइम लेने पर अब हमारा जो माडुलो है उसके इक्वल हो गया। तो जब माडुलो के इक्वल या ग्रेटर आता है तब वो रिजल्ट नहीं होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो आया वो रेजिड्यू क्लास 6, ये 1 को 6 टाइम ऐड किया गया तब हमारा रेजिड्यू क्लास 6 आया। चूँकि माडुलो 6 है इसलिए इसको 6 को डिवाइड करोगे, और जब डिवाइड करोगे तो इसका जो रिमाइंडर आया वो रेजिड्यू क्लास 0 आ गया। तो हमने क्या देखा कि 1 को 1 में 6 टाइम ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी 0 दे दिया। तो इस रेजिड्यू क्लास 1 का जो ऑर्डर हुआ वो 6 हुआ, ऑर्डर हो गया 6। तो दिस इंप्लाई ऑर्डर ऑफ रेजिड्यू क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 6। अब 2 को लो, 2 को ले तो हम ऐड करेंगे तो ये उतनी बार ऐड करेंगे जिससे हमारा रेजिड्यू क्लास 0 आ गया इसका ये एडिशन। तो जब ये 0 से ग्रेटर है तब डिफिनेटली वो जो माडुलो है उसका मल्टीपल जब रहेगा तब रेजिड्यू क्लास 0 आएगा, यानी वो 6 आवे चाहे 12 आवे इस तरह से आवे। तो ये 2 को 2 में 3 बार ऐड करने पर ही हमको 6 मिल जाएगा। तो यह 2 और यह एडिशन माडुलो 6, यह रेजिड्यू क्लास 2 एडिशन माडुलो 6 रेजिड्यू क्लास 2। अब ये रेजिड्यू क्लास 6 हमको दे दिया, तो रेजिड्यू क्लास 6 दे दिया इसका मतलब फिर 6 से डिवाइड करो और रिमाइंडर इसका 0 आ गया। तो जो ऑर्डर ऑफ 2 हुआ तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ 2 ये हमारा 3 हो गया, इसका ऑर्डर 3 ही रहा, ठीक है। अब 3 का देखो तो यह रेजिड्यू क्लास 3 एडिशन माडुलो 6 रेजिड्यू क्लास 3, ये 2 टाइम्स में ही 6 दे देगा, तब हमारा ये रेजिड्यू क्लास 6 यानी फिर ये रेजिड्यू क्लास 0। तो इसका 2 बार ही ऐड करने पर आ गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रेजिड्यू क्लास 3 इज इक्वल टू 2, या 2 आ गया। फिर 4 का देखो तो ये रेजिड्यू क्लास 4, तो रेजिड्यू क्लास 4 को हम 2 बार ऐड करें तो 8 हो गया। तो जब 8 हो गया तो 6 से वो ग्रेटर हो गया, 6 नहीं आ पाया। तो फिर अब हम देखेंगे कि जब 6 नहीं आया तब रेजिड्यू क्लास 0 पाना है, तब हम 6 का मल्टीपल तब 12 देखेंगे कि 12 को हम डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर 0 आएगा। यदि 12 भी नहीं आता है तब हम उसके बाद 18 देखेंगे, क्योंकि जो 6 का मल्टीपल होगा उसी को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 देगा। तो यह 4 को 3 टाइम्स यदि ऐड कर दो तो यह 4 प्लस 4 8 और प्लस 4 12, 4 को ऐड करने में 6 नहीं आ रहा है, तो जब 6 नहीं आ रहा तो अगला देखेंगे 12 देखेंगे। तो यह 4 को इस 4 में ही हम 3 टाइम्स ऐड कर दें तो यह रेजिड्यू क्लास 12 हो गया, और फिर 6 से डिवाइड करो तो कोशेंट टू 2 आया। तो कोशेंट से मतलब नहीं होता है, रेजिड्यू में रिमाइंडर आता है, तो ये हमारा फिर ये रिमाइंडर इसका रेजिड्यू क्लास 0 हो गया। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रेजिड्यू क्लास 4 इज इक्वल टू 3, इसका भी 3 आ गया। अब उसके बाद से 5 का देखो, 5 तो 5 का यदि 2 बार ऐड करते हो तो 6 नहीं आई, 2 बार ऐड किया तो ये 6 नहीं आया, 10 आ गया। तो जब 6 से ग्रेटर हो गया तब 6 का अगला मल्टीपल 12 देखेंगे। तो यदि इसको एक बार हम और ऐड करें तो ये 12 से एक ग्रेटर हो गया, ये हमारा 15 हो गया, तब फिर तब 18 देखेंगे। तो एक बार और यदि ऐड करो तो ये हमारा 20 हो गया, ये अब 18 से भी वो ग्रेटर हो गया, इसलिए इसको हम फिर अब 18 से आगे 24 देखेंगे। तो फिर एक बार और ऐड करोगे तो ये हमारा 25 आ गया, 24 से भी ग्रेटर हो गया, तब 6 का अगला मल्टीपल 30 देखेंगे। इसी प्रोसीजर से आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब जब अगला हम किए तो ये हमारा रेजिड्यू क्लास 30 आ गया, वो हमारा 6 से डिविजिबल है, और जब डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर फिर 0 आ गया।
तो हमारा ए रेज टू क्लास जीरो आ गया। तब हमने देखा कि आर्डर ऑफ यह जो फाइव हुआ वो हमारा सिक्स आ गया, ठीक है ये। तो इस सेट के अब जो जीरो है तो इसको दो तरह से हम समझ सकते हैं, ये तो वन 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 है तो यानी एट लीस्ट यहाँ कौन सा पॉजिटिव नंबर यहाँ रखें इसमें कि हमको ये एडिटिव आइडेंटिटी जीरो दे दे। तो जितनी बार ऐड किए हो इसमें उसी नंबर से प्रोडक्ट करो, तो ये हमारा सिक्स आ गया, सिक्स इंटू वन, ये हमारा थ्री इंटू रेज टू क्लास टू। तो अब हमारा यही यन जो हुआ यानी वो कौन सा लिस्ट पॉजिटिव रहे जिससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो या उसी को दूसरी वर्ड में इतने बार ऐड करो, मतलब मीनिंग दोनों की एक ही है, चाहे इसको सिक्स बार ऐड करो और चाहे इसमें सिक्स से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ये। तो हम ये देखेंगे कि इसमें वो कौन सा लिस्ट पॉजिटिव नंबर है जिससे प्रोडक्ट कर दें तो हमको जीरो दे दे। तो जब ये आपका जीरो रहेगा तो उसके पहले तो ये कोई नंबर रखोगे तो हमको जीरो दे देगा, तो इसीलिए पहले हमने पॉजिटिव को देखा, ठीक है ये। तो अब आप देखिए, ये तो अभी आप लोगों ने आर्डर ऑफ एलिमेंट समझा, अब आर्डर ऑफ एलिमेंट से ही हमको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग निकलता है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ तो ये देखो कि जो हर एलिमेंट का, पहला एलिमेंट का ए वन का सिक्स आ गया, टू का थ्री आ गया, थ्री का टू आया, फोर का थ्री आया, फाइव का सिक्स आ गया। तो हम ये देखेंगे कि इसमें वो लिस्ट पॉजिटिव मिनिमम कौन सा रहा, जितना बार ऐड करो तो हर सब जीरो दे दे, ठीक है ये। ये तो एक एक एलिमेंट का देखा गया, अब इसका आर्डर सिक्स है, इसका आर्डर थ्री है, इसका आर्डर टू है, तो ये जो आर्डर है उसी का एलसीएम ले लोगे तो वो जो नंबर आएगा उतनी बार प्रत्येक को ऐड करोगे तो रेज टू क्लास जीरो दे देगा। तो अभी सिक्स थ्री टू इन सब का एलसीएम सिक्स हो गया। तब हम यहाँ देखेंगे कि यदि यह सिक्स इंटू, अब यहाँ तुम कोई जितने इसके नंबर हैं उसको जब रखोगे तो ये हमको एडिटिव आइडेंटिटी दे देंगे। अब ये देखें कि ये हमारा, यह तो सिक्स टाइम में रखने पर आया ही था, लेकिन ये टू का थ्री टाइम में आया तो टू को यदि सिक्स टाइम कर दो तो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, और उसको भी सिक्स से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर आ गया आपका जीरो। लेकिन जो इसका आया थ्री, थ्री टाइम्स यदि ये वन करो तो ये हमको जीरो नहीं देगा, ठीक है ये। तो हमको ये समझना है कि ये जितने आर्डर हैं इसमें इसका जब एलसीएम लोगे तो उतनी बार में ऐड करोगे तो ये सब जीरो देगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक में एक नंबर हमको चाहिए कि उतनी बार प्रत्येक एलिमेंट को इस सेट के जितने हैं सबको ऐड करो तो हमको एडिटिव आइडेंटिटी दे दे, ठीक है ये। तो इसके लिए इसका जो एलसीएम हुआ उस एलसीएम को हम देखते हैं। अब यहाँ सिक्स ये जो तुम्हारा पहला है जीरो, ये भी जीरो दे देगा, यदि यह वन तो सिक्स इंटू वन ये भी हमको दे देगा जीरो, ये दूसरा टू तो सिक्स इंटू रेज टू टू यानी ट्वेल्व, सिक्स से डिवाइड करो फिर रिमाइंडर जीरो आ गया। ऐसे आपका ये थ्री है तो थ्री को भी सिक्स से मल्टीप्लाई करो रेज टू क्लास एट्टीन, तो एट्टीन को फिर सिक्स से डिवाइड करो रिमाइंडर जीरो आ गया। ऐसे ही तुम्हारा फोर है, इसका थ्री तो फोर को भी सिक्स टाइम करो, तो जब सिक्स टाइम करोगे तो ये हमारा 36, उसको फिर सिक्स से डिवाइड करो तुम्हारा रिमाइंडर जीरो आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सिक्स इसमें लिस्ट पॉजिटिव नंबर हुआ, जितनी बार प्रत्येक एलिमेंट को ऐड कर दो या उस एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमको ये रेज टू क्लास जीरो दे देगा। लेकिन सिक्स से छोटा ये जितने नंबर है उतना जब रखोगे तो सब जीरो नहीं देगा, जैसे हमारा थ्री आया ये तो दे दिया लेकिन थ्री टाइम्स का करो तो केवल ये रेज टू क्लास थ्री रहा, ये हमको जीरो नहीं दिया। ऐसे हमारा थ्री टाइम्स है
तो यदि थ्री को थ्री में थ्री टाइम्स ऐड करो और चाहे थ्री इंटू थ्री करो तो नाइन आएगा, वो सिक्स से डिविजिबल नहीं है। इसलिए सिक्स ही इसमें लिस्ट पॉजिटिव हुआ। जितना से प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो तो हमको रेजिडू क्लास जीरो दे देगा। अब यदि इसी को 12 लो, यहाँ 12 लो, तो ये 12 टाइम्स में भी ये हमको जीरो देगा, लेकिन 18 टाइम्स में भी जीरो देगा, लेकिन जो लिस्ट पॉजिटिव होगा वही उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। जैसे आर्डर में भी हम देखते हैं कि आर्डर में ये हमने इसको 6 टाइम किया, यदि 12 टाइम करोगे तो भी वो जीरो देगा, लेकिन आर्डर लिस्ट पॉजिटिव होता है, वैसे कैरेक्टरिस्टिक भी लिस्ट पॉजिटिव होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक में और आर्डर में ये फर्क हुआ कि आर्डर में जिस एलिमेंट का देखना हो उसको कितनी बार मिनिमम पॉजिटिव संख्या में हम ऐड करें तो हमको एडिटिव आइडेंटिटी दे दें, तो केवल वो एक एलिमेंट के लिए होता है, लेकिन पूरे सेट के लिए वो कौन सा मिनिमम पॉजिटिव हुआ जितनी बार में हमको प्रत्येक एलिमेंट रखे तो सब एडिटिव आइडेंटिटी दे, तो वो जो लिस्ट होता है वो हमारा पूरे रिंग के लिए एक होता है जो लिस्ट पॉजिटिव होगा, और वही हमारा उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक कहा जाए। ठीक है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक में और रिंग में, कैरेक्टरिस्टिक में और आर्डर में ये जो फर्क है वो मैं समझ रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा हो। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने डिफिनीशन को समझा, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी हमने दिया जिससे वो चीज़ें क्लियर हो जाए। अब उससे रिलेटेड एक थ्योरम है, उस थ्योरम में कहा जा रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। अभी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किया, वो रिंग के लिए डिफाइन किया गया, तो रिंग ही इंटीग्रल डोमेन हो जाता है यदि वो कम्यूटेटिव भी हो जाए, यूनिट एलिमेंट भी रखे और उसमें प्रत्येक एलिमेंट यानी कोई दो एलिमेंट लो तो उसका प्रोडक्ट जीरो करो तो एक जीरो जरूर हो जाए, यानी विदाउट जीरो डिवाइजर। तो यदि एक रिंग विदाउट जीरो की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमारा इंटीग्रल डोमेन होगा। तो अब ये चीज़ हमको यहाँ से इंटीग्रल डोमेन देने से एक चीज़ हमको मिला कि यदि इस सेट का कोई भी दो एलिमेंट लो और दोनों का प्रोडक्ट यदि जीरो है तो एक जीरो जरूर होगा। ठीक है, ये फिर आगे कहा जा रहा है कि यदि कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा या तो जीरो होगा और नहीं तो प्राइम नंबर होगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो आर प्राइम नंबर, यानी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। अब इस चीज़ को हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ देखिए कैसे करेंगे। तो इंटीग्रल डोमेन है तो इंटीग्रल डोमेन को हम सपोज कर लें उस अलजेब्रिक सिस्टम को कि लेट डी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी एन इंटीग्रल डोमेन। ये जो इंटीग्रल डोमेन है उसका हमने नाम रख दिया, जब केवल रिंग था तो आर लेते थे सेट में, आ इंटीग्रल डोमेन है तो उसको हमने डी से डिनोट कर लिया है। तो यानी ये इंटीग्रल डोमेन है, ये विदाउट जीरो डिवाइजर को सेटिस्फाई करेगा। फिर हमको करना क्या है, करना ये है कि जो यह डी है उसका जो ऑर्डर होगा वो जीरो होगा या कैरेक्टरिस्टिक, या तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगा और यदि नॉन जीरो है तो हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें सपोज करें कि कैरेक्टरिस्टिक जो डी का है या तो जीरो हो, जीरो रहेगा और नहीं तो नॉन जीरो रहेगा। तो यदि जीरो रहा तब तो हमारा थ्योरम यही प्रूफ हो गया, क्योंकि तुमको दिखाना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो, आइदर जीरो, दोनों नहीं, जीरो या प्राइम नंबर। तो हम इसके इंटीग्रल डोमेन का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको जीरो लें या नॉन जीरो लें, तो जब जीरो लेंगे तो थ्योरम यही कंप्लीट, लेकिन यदि नॉन जीरो लेंगे तब हमको दिखाना पड़ेगा कि यदि वो नॉन जीरो है तो कंपोजिट नहीं है, वो प्राइम है, तो हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम दो केस इसके जो हैं उसको हम लेने जा रहे हैं। इफ कैरेक्टरिस्टिक
if characteristic of D is zero, then theorem is proved. If characteristic of D is non-zero, let positive say n, then we shall show that n is prime. तो इस थ्योरम में हम लोगों ने दो पॉसिबिलिटी लिया, एक उसका इंटीग्रल डोमेन जीरो हो, तो यदि इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक जीरो हो, तो यदि जीरो है तो हमको यही दिखाना था जीरो रहे या प्राइम रहे तो थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो है ऐसा दिया नहीं है, तो हम तो एक पॉसिबिलिटी पे लिए हैं, तो यदि नॉन जीरो हो तो उसी नॉन जीरो को, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव ही होता है या जीरो होता है, निगेटिव नहीं होता है, तो जब जीरो नहीं हुआ तो हमारा पॉजिटिव हुआ, और जो पॉजिटिव हुआ उसी को हमने एन कह दिया, वो हमारा यह। तो अब हमको ये दिखाना होगा कि यदि वो जीरो नहीं है पॉजिटिव है तब यह एन प्राइम होगा, कॉम्पोजिट नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्रडिक्टिव मेथड द्वारा हम प्रूव करेंगे, यानी हम ये दिखाएंगे कि एन कॉम्पोजिट है। तो जब यन कॉम्पोजिट है तो उससे हम एक कॉन्ट्रडिक्शन पे आ जाए, और तब जब कॉम्पोजिट नहीं होगा तो फिर वो प्राइम होगा। तो अब यही वर्क हम करते हैं, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल लेट एन इज कॉम्पोजिट, ये हमने सपोज किया है, दिखाना नहीं है ऐसा, हमको प्राइम दिखाना है, लेकिन कॉम्पोजिट जब माने हैं तब हम एक कॉन्ट्रडिक्शन पे आ गए। इसके मानने से जो चीज़ें दी गई है उसको एक कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तब हम लास्ट में लिख लेंगे कि जब ये ऐसा नहीं है तो फिर वो प्राइम हो जाएगा। तो अब यन कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट है इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक नंबर है, जैसे हमारा फाइव है, तो फाइव वन इंटू फाइव यानी वन से डिविजिबल होगा, या स्वयं फाइव से, इसके अतिरिक्त अन्य किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तब वो नंबर हमारा प्राइम होता है। लेकिन जैसे हमारा सिक्स है, वो वन और सिक्स के अतिरिक्त भी वो टू और थ्री से डिविजिबल है, तब वो हमारा कॉम्पोजिट हो गया। तो अब जब यन को कॉम्पोजिट लिए हैं तो इसका मतलब इसका फैक्टर, जैसे सिक्स का टू इंटू थ्री हुआ, वैसे हमारा यन का भी दो फैक्टर ऐसा मिलेगा कि उन दोनों का प्रोडक्ट एन आ जाएगा, लेकिन ये एन के जो दो फैक्टर होंगे वो वन और यन के अतिरिक्त होंगे, तब कंपोजिट हुआ। तो लेट एन इक्वल टू एन वन इंटू यन, यानी अब एक कंपोजिट हमने लिया तो वन इंटू यन के अतिरिक्त भी इसका फैक्टर आएगा। तो जब ये फैक्टर आएगा तो यन वन और यन टू ये दोनों वन से ग्रेटर होंगे और यन से लेस होंगे। जैसे हमारा सिक्स है तो टू इंटू थ्री हुआ तो टू वन से ग्रेटर हुआ, थ्री वन से ग्रेटर हुआ, सिक्स लेस हुआ, तब हमारा वेयर एन वन एन टू लेस देन यन एंड ग्रेटर देन वन, इन दोनों के बीच का होगा, ये हमने कॉम्पोजिट ले लिया। तो अभी तक जो वर्क हम लोगों ने किया उसमें सिर्फ एक वर्क किया कि जब यन को हमने पॉजिटिव लिया तो हमको उसको दिखाना है कि वो कॉम्पोजिट नहीं हो, प्राइम हो, तो क्वांटिटेटिव मेथड द्वारा हमने सपोज कर लिया कि वो कॉम्पोजिट है। तो
तो जब कंपोजिट होगा तो वन और यन इसके अतिरिक्त उसका एक फैक्टर मिलेगा जो हमारा वन और यन इसके बीच का होगा, ये कंपोजिट होने के कारण। अब आगे जो हमको वर्क करना है वो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि कैरेक्टरिस्टिक का, कि किसी भी इंटीग्रल डोमेन का हमारा जो आइडेंटिटी उसमें एलिमेंट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उस आइडेंटिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है जो आर्डर होता है वही हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। फिर से एक बार ध्यान दो कि ये हमारा जो रिंग होगा चाहे इंटीग्रल डोमेन होगा, तो इंटीग्रल डोमेन है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसमें होगा, तो उस वन का जो आर्डर होगा वही उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। अभी हम लोगों ने इसके पहले भी एग्जांपल को देखा था, हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का आर्डर 6 आया था और पूरा उसका कैरेक्टरिस्टिक हमारा 6 हुआ था। तो अब हम ये सपोज करेंगे कि इसमें एली इसकी जो आइडेंटिटी है उसको हम ई से डिनोट कर लें, तो ई का जो कैरेक्टरिस्टिक जो आर्डर होगा वही हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो चूंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक एन सपोज किया गया है इसलिए ई का जो आर्डर होगा वो भी हमारा एन होगा, ठीक है ये। तो अब वही चीज हम लिख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी इज सेम एज यूनिट एलिमेंट इट मीन्स एन इंटू ई, ये हमने आइडेंटिटी को ई ले लिया, तो एन इंटू ई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ये। यानी आइडेंटिटी को एन बार जब ऐड करें, अच्छा है एन इंटू आइडेंटिटी लिख लें तो ये हमको एडिटिव आइडेंटिटी जीरो दे देगा। अब इसमें यन को हमने सपोज किया है कि ये कंपोजिट है और इसकी वैल्यू को यन वन इंटू यन टू लिखा है, इट मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं एन वन इंटू यन टू और आइडेंटिटी इक्वल टू जीरो। तो अब इसी को हम लिख सकते हैं एन वन आइडेंटिटी और एन टू आइडेंटिटी इक्वल टू जीरो। देखो क्या हुआ, इसमें जो यहाँ तक किया गया सिर्फ एक रिजल्ट का कि किसी भी रिंग का या इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक वही होता है जो उसके यूनिट एलिमेंट यानी जो उसके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक जो आर्डर होता है वही उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो चूंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक हम यन माने हुए हैं इसलिए यदि उसके यूनिट एलिमेंट को हम ई से डिनोट करें तो ई का आर्डर वही होगा जो उसका कैरेक्टरिस्टिक का है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक यन है इसलिए ई का आर्डर यन, और ई का आर्डर यन है तो ई प्लस ई प्लस ई अप टू एन टाइम्स इज इक्वल टू जीरो, या उसी को एन इंटू ई ये जीरो आ गया। अब इस यन को कंपोजिट माने हैं तो यह इतना है तो इसको हमने यह लिख लिया। अब इस एन टू और ई को एक पास कर लिया और यन वन और ई, क्योंकि ई हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से एन वन में प्रोडक्ट करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस यन वन को एन वन इंटू ई लिख सकते हैं, यहाँ यू हमारा ई जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखो यह एक ब्रैकेट है और ये दूसरा है और इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है और हम लोगों ने सपोज किया है कि जो डी है वो इंटीग्रल डोमेन है, इट मीन्स इंटीग्रल डोमेन के किसी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट यदि जीरो है तो उनमें से एक जीरो जरूर होगा, तो इसका और इसका प्रोडक्ट जीरो है तो इनमें से एक जीरो डेफिनेटली होगा, और यदि दोनों में कोई जीरो न रहे तब तो ये हमारा जीरो डिवाइजर हो जाएगा, और जीरो डिवाइजर होगा तो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, लेकिन इंटीग्रल डोमेन दिया है तो डेफिनेटली वो विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो सिंस डी इज इंटीग्रल डोमेन
दैट डी इज विदाउट जीरो डिवाइजर डी इज विदाउट जीरो डिवाइजर दिस इंप्लॉय This implies N1E is equal to 0 or N2E is equal to 0. Integral domain के कारण दोनों का product 0 है तो एक definitely 0 होगा. अब आप यहाँ देखो, if N1E is equal to 0, यदि N1E is equal to 0 हो तो यह एक contradiction दे रहा है. इस बात का कॉन्ट्रेडिक्शन इस बात का कि इसका हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक सपोज किया है यन, तो यन वो लिस्ट पॉजिटिव होगा जितना से हम मल्टीप्लाई करें यूनिट एलिमेंट को तो वह जीरो देगा. यानी यन से छोटा यदि आइडेंटिटी को प्रोडक्ट करने पर यदि हमको एडिटिव आइडेंटिटी जीरो दे दे तब तो फिर यन हमारा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, उससे छोटा नंबर हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा. तो अब यहाँ जो कॉन्ट्रेडिक्शन आया वो किस बात का कि हम लोगों ने यह यन कैरेक्टरिस्टिक डी का माना है, इसलिए यन यह लिस्ट पॉजिटिव है जो इससे मल्टीप्लाई होकर के एडिटिव आइडेंटिटी जीरो देने वाला है. इससे छोटा कोई नहीं दे सकता, छोटा दे देगा तो ऑर्डर ऑफ ई वह नंबर होगा और तब कैरेक्टरिस्टिक एन नहीं उससे छोटा वाला नंबर हो जाएगा. लेकिन कैरेक्टरिस्टिक यन माना गया, यानी उससे छोटा कोई आइडेंटिटी नहीं दे सकता. तब हम देख रहे हैं कि ई से यह यन वन जो है एन वन एन से छोटा है और वो हमको आइडेंटिटी दे दिया जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यन हमारा कैरेक्टरिस्टिक है इसलिए वो लिस्ट पॉजिटिव है जो हमको आइडेंटिटी को उतनी बार हम ऐड करेंगे तो हमको जीरो देगा. अब यही रीजन दूसरे के साथ, यदि एन टू इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो ये भी हमारा एन टू भी एन से छोटा है, तो एन से छोटा कोई पॉजिटिव आइडेंटिटी से प्रोडक्ट होकर के जीरो नहीं दे सकता क्योंकि एन लिस्ट पॉजिटिव है. तो ये दोनों कॉन्ट्रेडिक्शन दे रहे हैं. तो जब दोनों कॉन्ट्रेडिक्शन दिया है तो क्यों दिया है कि हमने एन को कॉम्पोजिट लिया. जब कॉम्पोजिट लिया तो हमको कॉन्ट्रेडिक्शन आ गया, इट मीन्स जो हम माने हैं वो सही नहीं है. और जब वो सही नहीं है तो कोई भी नंबर या तो वन और स्वयं से डिविजिबल होगा और नहीं तो वन और स्वयं के बाद भी डिविजिबल होगा. तो वन और स्वयं के बाद डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वन और स्वयं से ही डिविजिबल है, इट मीन्स वो प्राइम है. तो वही चीज़ लिख देनी है, इफ एन वन ई इज इक्वल टू जीरो इट इज कॉन्ट्रेडिक्शन. कॉन्ट्रेडिक्शन बिकॉज एन इज लिस्ट पॉजिटिव नंबर which gives n into e is equal to 0 but n1 is less than n. similarly n2 e is equal to 0 also gives contradiction, same reason. That is our supposition
दैट एन इज कॉम्पोजिट इज रॉन्ग हैंस एन इज पॉजिटिव एन इज प्राइम यही हमको दिखाने